कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी न केवल तर्कसंगत है बल्कि हास्यप्रद भी है। ये भाजपा नेताओं के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। ये प्रतिक्रिया प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को सुधारने की जगह भाजपा नेता हताश भरी बयानबाजी करके हंसी का पात्र बन रहे हैं। भाजपा नेता कांग्रेस की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करने से पहले अपने गरीबान में झांके। प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा नेता शांता कुमार ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, साथ ही प्रेम कुमार धूमल ने भी कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा भी सत्ता का दुरुपयोग करके पहले तो दिल्ली से हिमाचल चले आए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कैसे चलेगी इस बारे में भाजपा नेता चिंता करना छोड़ दें। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सरकार को सही ढंग से चलाने का प्रयास भाजपा को करना चाहिए। दीपक शर्मा ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे धौंस जमाना और रोब झाड़ना बंद कर दें, ये सहन नहीं होगा। उन्होंने भाजपा नेताओं को सलाह भी दी कि वो अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाएं और तर्कशील बयानबाजी करें। इस तरह जुमलेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आज मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है वो ना केवल तर्कहीन है बल्कि जुमलेबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जब कोई तर्क नहीं रहता है तो वो खीज निकालने के लिए कांग्रेस के ऊपर ओछी बयानबाजी करते हैं। हमारी उनको यही सलाह है कि वो अपना जो है वो बौद्धिक स्तर बढ़ाएँ और ये जो बौद्धिक दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी का निकल चुका है इसके प्रति वो अपना ध्यान दें। कांग्रेस के अंदरूनी विषयों पे बात करने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बारे में ध्यान कर ले कि शांता कुमार जी क्या कह रहे हैं, वो सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर किस तरह से उंगली उठा रहे हैं, सांसद की हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एंट्री हुई उसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी जो हैं वो किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कोरोना के इस दौर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके जांच की मांग कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो यहाँ पर अपने सत्ता की धौंस दिखाकर सत्ता का दुरुपयोग कर हिमाचल प्रदेश में घुसे और जाकर अपने घर में दुबक कर बैठ गए, आज वो क्या कर रहे हैं, जनता के ऊपर बंदूक तान रहे हैं। ऐसे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आंकलन करे और देखे कि वो क्या कह रही है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतः सचेत सजग कर रही है एक विपक्ष के दल होने के नाते। उसमें अगर इनको किसी तरह की कोई तर्कशील बात नज़र आती है तो वो रखें, उसका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से तर्कहीन बयानबाजी और छोटे स्तर की बयानबाजी इनके नेता कर रहे हैं उससे यही ज्ञात होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो बौद्धिक स्तर इतना गिर चुका है और इनका अपना जो अध्ययन है वो इतना कम है कि ये तर्कशील बातचीत करने की जगह जो है वो अपनी खीज निकाल रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है।